किसान भाइयों, ये प्याज की फसल है और प्याज की फसल करीबन 90 से 95 दिन की करीब हो चुकी है। और किसान भाइयों, प्याज की इस अवस्था में PGR का प्रयोग किया जाता है। तो किसान भाइयों, प्याज के इस अवस्था में PGR का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो किसान भाइयों, PGR का प्रयोग प्याज की जो ऊपर की जो पत्ती होती है इसको सुखाकर प्याज के कंद को पक्का करने के लिए PGR का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, बिना PGR के प्याज का कंद पक्का कर दिया गया है। तो किसान भाइयों, बिना PGR के आपको प्याज का कंद कैसे पक्का करना होता है? तो जैसे कि किसान भाइयों, हमारी प्याज की फसल करीबन 90 दिन के आसपास हो जाती है। तो किसान भाइयों, प्याज की फसल में सिंचाई बंद कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप प्याज की फसल में सिंचाई बंद कर देते हैं तो प्याज का कंद होता है तो उसके ऊपर तनाव अधिक होता है और वो अपने आप को बढ़ाने के लिए प्याज की पत्ती से अपना जो स्टोर किया हुआ खाना होता है उसको ग्रहण करता है। तो जैसे जैसे प्याज की पत्ती सूखते जाती है तो हमारा जो प्याज का कंद होता है वो विकास करता जाता है। कई कई जगह पर किसान भाइयों, प्याज की पत्ती को सुखाने के लिए ऊपर से ड्रम घुमाकर पत्ती को सुखाया जाता है। कई लोग PGR का प्रयोग ना करके प्याज के कंद को लाल कलर लाने के लिए ऊपर से ड्रम घुमाकर पत्ती मोड़ देते हैं। तो उससे होता केवल ये है कि ऊपर की जो पत्ती होती है केवल वो सूखती है और प्याज के कंद का विकास नहीं होता है। प्याज में केवल कलर आता है और प्याज कच्चा रहता है, फिर भी प्याज में कलर आ जाता है। तो किसान भाइयों, आपको ध्यान रखना होता है कि केवल प्याज के सिंचाई बंद कर दें।